हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और ये फटाफट से 10 मिनट के अंदर, हार्डली 10 मिनट लगेंगे इसको आपको बनाने में, और इजीली बन जाता है और टेस्ट तो आप पूछिए ही मत। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है। गैस मैंने फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो रख रखी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप दूध डाल दिया है, मिल्क। तो वैसे तो इसमें मिल्क डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सोचा कि क्या पता मेरा कंडेंस मिल्क जो है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिल्क डाला था, लेकिन ये बहुत ही रनी था। तो फिर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ही जो है कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर 1/4 कप ही मिल्क पाउडर यूज़ किया है, और क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ये वाला जो था वो मीठा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज़ की है। तो हमें इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिलाना है। अगर आप ओनली कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा ये 2 इलायची जो क्रश करके डाल दूँगी। अगर आप ओनली कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसे, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा गाढ़ा होता है, वो थिक होता है, तो आपको इसे इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा रनी था, ये इवेपरेटेड मिल्क था, मतलब थोड़ा गाढ़ा मिल्क। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये 160 to 170 ग्राम मैंने इसके अंदर पनीर डाल दिया है। तो आपको भी कंडेंस मिल्क के अंदर ऐसे ही पनीर डालना है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सच में। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। एक ओनली मिल्क पाउडर से भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा टेक्निक अलग होती है तो वो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन आप इस मेथड से बनाएंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसा वो कलाकंद लगता है। तो वैसे तो कलाकंद को बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि कलाकंद में हमें 2 कढ़ाइयाँ चढ़ानी पड़ती है। पहले दूध को फाड़ना पड़ता है एक कढ़ाई में, दूसरी कढ़ाई में दूध को हमें बहुत गाढ़ा करना पड़ता है। तो जो हमें कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही ठीक होता है, तो उसे इससे फटाफट से बन जाती है मिठाई। तो आप देख सकते हैं, अब ये बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। तो हमें इसे जब तक पकाना तब तक ये जो कढ़ाई है वो छोड़ना स्टार्ट नहीं कर दे। आपको इसे बिल्कुल ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा कुक कर देंगे तो जो पनीर है वो चुई चुई सा हो जाएगा और ये बहुत बेकार मिठाई बनेगी। तो अभी जो है ये इसका जो है बैटर वो भी लिक्विड ही है, हमें ज़्यादा वैसा नहीं रखना है। इसने कढ़ाई अच्छे से छोड़ दिया है, तो इसे कम से कम हमें करने में 5 मिनट लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले ली जिसे ग्रीस कर लिया था, तो इसे अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसे सेट करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए, इसे आपको ज़्यादा कुक ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक कर देंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये एक स्पून ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और फिर उसकी हेल्प से आप इसे सेट कर दीजिए अच्छे से। तो अभी ये सेट होने की, क्योंकि इसको अच्छे से सेट होने में कम से कम 12 to 13 आवर लग ही जाता है, लेकिन आपको अगर जल्दी है तो अब ये 1 आवर में भी इजीली हो जाता है, लेकिन जो परफेक्ट कलाकंद सेट होता है उसको इतना टाइम लग ही जाता है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, आप चाहें तो पिस्ता से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और उसे फिर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो है अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और फिर से सेट होने के लिए अब हम रख देंगे। तो मैंने साइड से इसके कोने भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। तो आपको मेजरमेंट का अच्छे से याद रखना है, आपको 200 जो है ml कंडेंस मिल्क यूज करना है, एंड 200 ग्राम आपको पनीर यूज करना है, सॉरी 160 to 170 ग्राम आपको पनीर यूज करना है। और क्योंकि मेरे इसमें इवेपरेटेड मिल्क में चीनी नहीं थी, इसलिए मैंने चीनी का यूज़ किया है। अगर क्योंकि कंडेंस मिल्क तो मीठा वैसे ही आता है, तो आप फिर उसमें कम चीनी का यूज़ कीजिए, उसमें आप 1/4 कप चीनी ही यूज़ कीजिए, और आप टेस्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से कट हो रहा है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये तो मैंने थोड़ा जल्दी कट कर लिया था, लेकिन इसे आप थोड़ा इसे रेस्टिंग टाइम दीजिए, तब बहुत अच्छे से ये होता है।
तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितने कम इंग्रेडिएंट में ये वाली मिठाई जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। और आप देख सकते हैं ये मैं तोड़ के देख रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है ये, जैसा बाजार में मिलता है ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो आप इस वाली रेसिपी से एक बार कलाकंद जरूर ट्राई कीजिए। एक बार फिर मिलूंगी मैं एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस विंटर्स को एंजॉय कीजिए, खूब अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई कीजिए और खूब अच्छा अच्छा गर्म खाना खाइए और अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।